हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कांदा पोहा की रेसिपी, जो हम बनाएंगे बिल्कुल मुंबई स्टाइल। और ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है और बनने में तो बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। कांदा पोहा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा कटोरी जो है वो पोहा लिया हुआ है। हमें जो है मोटा वाला पोहा लेना है, बारीक वाला पोहा नहीं। पोहा भी बहुत तरह का आता है, तो जो मोटा वाला पोहा होता है उससे पोहा बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ पर एक मैंने बड़ा प्याज लिया हुआ है जिसे मैंने स्लाइस में कट कर रखा है, और एक बड़ा आलू लिया है जिसे मैंने छोटे पीसेस में कट कर रखा है। हम पोहे में आलू डालेंगे। और एक बड़ी हरी मिर्च ली है जिसे बारीक कट कर रखा है, और कुछ करी पत्ता लिए हैं, और 2 चम्मच मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं, कच्ची मूंगफली है, और 1 छोटा चम्मच चीनी। तो सबसे पहले हम पोहे को वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी छन्नी ले ली है, उसमें मैं पोहा डाल दूँगी। पहले मैं थोड़ा पोहा डालूँगी। अब हम इस पर पानी डालेंगे। और बस थोड़ा थोड़ा ही हमें इस पे पानी डालना है। पोहे को हमें ज़्यादा पानी में भिगोना नहीं है, क्योंकि फिर जब हम पोहा बनाएंगे तो वो बिल्कुल गल जाएगा और चिपक जाएगा। और बिल्कुल हल्के हाथों से इसको धोना है। तो यहाँ थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। तो यहाँ देखिए पोहे भी अच्छे से गीले हो गए हैं सारे। अब अच्छे से इसको छन्नी में से सारा पानी निकाल देते हैं और पोहे को दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं दूसरे बाउल में इसको निकाल रही हूँ, और बाकी पोहे को भी मैं इसी तरह से धो के बाउल में निकाल लूँगी। तो यहाँ देखिए सारे पोहे को मैंने धोकर बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें हमें और एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है, जितना पानी हमने डाला था बस उतना ही पानी से ये अच्छे से फूल जाएंगे। तो अब पोहा बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो ये गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी थी, और उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाला मैंने, आधा चम्मच राई और थोड़ी सी हींग डाली है, और ये 1 हरी मिर्च जिसे बारीक कट करके रखा हुआ है। 1-2 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लेंगे। और अब साथ में ही इसमें ये जो मूंगफली के दाने हमने रखे थे, कच्ची मूंगफली है तो इसे भी हमें भूनना है। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है पोहे में। बस 1 मिनट के लिए इसे अच्छे से भूनना है हमें। अब साथ में ही हम इसमें प्याज डाल देंगे। इसे मैंने बारीक पतला पतला स्लाइस में कट किया हुआ है, आप चाहें तो बारीक चॉप भी कर सकते हैं। इसे कांदा बोलते हैं महाराष्ट्र में। अब प्याज को भी हम अच्छे से भून लेंगे, और साथ में ही मैं इसमें थोड़े से करी पत्ता डाल दूँगी। अब सभी चीज़ों को अच्छे से हमें भूनना है 1-2 मिनट के लिए। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, हल्का पिंक कलर का ही रहना चाहिए प्याज। और यहाँ पर अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ, जो हमने बहुत छोटे पीसेस में कट करके रखे हुए थे। और इसे भी तड़के में अच्छे से भून लेंगे। और देखिए आलू वगैरह सब अच्छे से भुन गए हैं। तो अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, और 1/2 चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली है, और 1 छोटा चम्मच चीनी डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट जो है पोहे का इन्हेंस होता है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमें आलू को थोड़ा सा गलने तक हमें इसको पकाना है ढक्कन लगाकर। तो मैंने ढक्कन लगा दिया है 5 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, एक बार ढक्कन हटाकर देख लेते हैं आलू थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं कि नहीं, क्योंकि हमने कच्चे आलू यूज़ किए हैं। कुछ लोग इसमें बॉयल आलू भी डालते हैं, पर कच्चे आलू का ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है पोहे में। अब देखिए आलू तो सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम इसमें पोहा डाल देंगे जो हमने अच्छे से भिगो के रखा था। इसको हाथों से अच्छे से, ये जो थोड़े से भीगने के बाद इकट्ठे हो जाते हैं पोहे, उसे आप हाथ से थोड़ा सा मैश कर लीजिए। अब हल्के, बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इसको मिक्स करना है तड़के में। ज़्यादा ज़ोर से मिक्स करने से पोहा जो है वो चिपका चिपका बनेगा फिर। तो यहाँ देखिए बहुत अच्छे से पोहा मिक्स हो गया है। तो अब इस पे हम थोड़ा सा
पानी डालेंगे हाथ से। तो ऐसे मैंने दो बार डाला है, मतलब 2 चम्मच के करीब पानी होगा। बस इतना ही पानी हमें डालना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसे ढक देंगे हम, और बिल्कुल गैस जो है बिल्कुल स्लो कर देना है, और 5 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही पकने देंगे। तो यहाँ देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, पोहा जो है वो रेडी हो चुका है। हल्के हाथों से स्पैचुला से इसको देखिए हिलाकर देख लीजिए कितने अच्छे खिले खिले पोहा बना है। तो पोहा एकदम रेडी है। अब हम इसमें 2 चम्मच लेमन जूस डाल रहे हैं, और थोड़ा सा हरा धनिया, जो पोहे का टेस्ट और भी बढ़िया बना देगा। और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गया है कांदा पोहा। तो आप भी अब जल्दी से अपने घर पर इसे ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनता है ये, और बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। तो यहाँ पर मैंने देखे कांदा पोहा को कटिंग चाय के साथ में सर्व किया है, बिल्कुल मुंबई स्टाइल। तो आप भी अब जल्दी से अपने घर पर इसे ट्राई कीजिए, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।